हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एस पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की डिग्री के बारे में। तो दोस्तों, आप किस तरह से जो विश्वविद्यालय की जो डिग्री है आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये मेरी डिग्री है और मैंने इसको दोस्तों ऑनलाइन मंगाया है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने एक अपनी साइट पर एक लिंक जारी कर रखा है दोस्तों, अगर किसी भी छात्र को अपनी डिग्री की ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बिल्कुल फ्री मंगा सकता है। तो दोस्तों, आपकी जो ये डिग्री है बिल्कुल फ्री आपके घर तक आ जाएगी डाक द्वारा। तो दोस्तों, वहाँ जो इसकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, वहाँ जो स्टूडेंट सेक्शन में जाकर आपको अपनी डिग्री के लिए दोस्तों अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लगभग 15 दिन के बाद में आपका अगर डाटा सही मैच होता है तो आपकी जो डिग्री है दोस्तों वो आसानी से आपके घर आ जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आपके जो डॉक्यूमेंट में आपकी जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी होती है वहाँ पर, और आपका जो आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी जो प्रूफ है उसको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों, अगर ये सभी जो आपके डॉक्यूमेंट सही मैच पाए जाते हैं तो आपकी जो डिग्री है 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर में दोस्तों फ्री में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैंने भी अपनी डिग्री आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये मेरी डिग्री है, एमए की है दोस्तों। मैंने इसको ऑनलाइन तरीके से मंगाया है, बिल्कुल घर बैठे बिल्कुल दोस्तों फ्री में आ चुकी है। तो दोस्तों, 2018 में मैंने CCS यूनिवर्सिटी से दोस्तों एमए किया था, तो उसकी ये डिग्री है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से इसकी जो ओरिजिनल डिग्री होती है, आप बिल्कुल निःशुल्क मंगा सकते हो इसकी डिग्री। जो है 2021 तक के जो भी छात्र हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है दोस्तों यूनिवर्सिटी से, वो इसकी जो डिग्री है अपनी मंगा सकते हैं बिल्कुल फ्री आसानी तरीके से। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी छात्र हैं इस तरह का आपको एक लिफाफा मिलेगा जब आपकी डिग्री आएगी, इस तरह से पीले कलर का, और यहाँ आपका सब कुछ इस पर एड्रेस वगैरह लिखा होगा, आपकी क्लास वगैरह, तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं आसानी तरीके से। यूनिवर्सिटी ने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से एक सुविधा कर रखी है ये छात्रों के लिए, जिन छात्रों ने पढ़ाई पूरी कर ली है 2021 तक के जो भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, केवल केवल और केवल 2021 तक के जिन्होंने पूरी कर रखी है अपनी पढ़ाई, वो ऑनलाइन तरीके से डिग्री मंगा सकते हैं, आपकी डिग्री आपके घर आ जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए कंप्यूटर डेस्क की जो साइट है उस पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल पर CCSU इस तरह से आप टाइप करोगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा वहाँ पर। ये जो पहली वाली साइट है आपको इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ होम, यहाँ अबाउट अस, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ एकेडमिक, और यहाँ लाइब्रेरी। यहाँ दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके दोस्तों, ये वाला स्टूडेंट सेक्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर में यहाँ पर दोस्तों न्यू लिखा हुआ है, स्टूडेंट हेल्प डेस्क अप्लाई फॉर डिग्री मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट। तो दोस्तों आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको क्लिक करके इस पर बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों ये जो नीचे लिखा हुआ है येलो कलर में, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू गेट ओनली ओरिजिनल डिग्री, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री मंगानी है। तो दोस्तों इस पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको इस पर ओके कर देना, आपको इसको पढ़ के देख लेना दोस्तों। इसमें आपकी डिग्री के बारे में ही बताया गया है कि कब से कब तक की जो डिग्री है वो आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म खुल कर आ गया है, आपको यहाँ पर दोस्तों अपना जो भी डाटा है वो सभी डालना है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों गेट डिग्री विदाउट फीस टिल 2021 तक की जो डिग्री है दोस्तों वो आपको फ्री मिल रही हैं। यहाँ आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, नीचे है दोस्तों फादर्स नेम इंग्लिश में, यहाँ फादर नेम हिंदी में दोस्तों। यहाँ आपको ईयर्स डालना है जिस ईयर आपकी फाइनल हुआ है दोस्तों। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, नीचे है दोस्तों इधर डालना है दोस्तों आपको रोल नंबर, यहाँ आपको अपना नाम इंग्लिश में, यहाँ अपना नाम हिंदी में, यहाँ मम्मी का नाम दोस्तों आपको इंग्लिश में, और यहाँ मम्मी का नाम हिंदी में डालना है। यहाँ आपको दोस्तों आपको क्लास डालनी है जो भी आपने किया हो, जैसे कि BA, BCom, BSc वगैरह आपने जो भी किया हो। तो दोस्तों आगे और है, नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको डिवीज़न डालनी है जो भी आपकी आई हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इधर है दोस्तों आपको वर्तमान डाक पता डालना है, आपका जो भी एड्रेस है, आपको विद पिन कोड डालना है दोस्तों, आपको कॉलेज का नाम डालना है अपना जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, और यहाँ आपको सब्जेक्ट डालने हैं जो जो आपके सब्जेक्ट थे। यहाँ आपको ये कैप्चा कोड डालना है दोस्तों, नीचे है
यहाँ आपको अपना जो भी फाइल है यानी कि मार्कशीट है जो फाइनल ईयर की, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और इधर आपको अपलोड करना है दोस्तों, आपको आपका जो एड्रेस प्रूफ है यानी कि आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी कार्ड है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप सबमिट कर देंगे। तो आपको दोस्तों जैसे ही सबमिट करोगे आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आपको उसको सुरक्षित रख लेना यार, और उसी से आप इसको किसी साइट पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था ओरिजिनल डिग्री मंगाने का प्रोसेस कि आप किस तरह से अपनी डिग्री घर बैठे फ्री मंगा सकते हैं डाक द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।